लेने का आ जाएगा मगर। सर मैं एक गीत सुना रहा हूँ और 25 लीटर ये है तो यशवंत सिंह साहब का, लेकिन ये वाला मैंने जब इसको गाया तो पूरे इंडिया में इस गाने को लोगों ने टैंक से निकल रहा है उनसे ज्यादा प्रसिद्धि मैंने इस गाने ये देखो ओरिजिनल पार्ट है जीनियन पार्ट इसको कम से कम 2-3 करोड़ लोगों ने जीनियन पार्ट ही यूज करने का इसमें देखिए तो मैं सुना रहा हूं आप लोगों को वॉल रहता है तो चंद शेर अर्ज जो कि अभी दिखेगा नहीं दिखेगा मालूम नहीं शूटिंग में तो ये क्या करता है जैसे ही आपका मशीन चालू हो जाता है वही टाइम आपका ऑयल कूलिंग के लिए प्रोसेस में छोड़ देता है और जो मार्केट में मिल रहे हैं 2,000-3,000 के ऐसे जो फिल्टर मिल रहे हैं तो उसका क्या है उसका आप देख लीजिए कभी भी उसका जब आप लोड पे डालेंगे तभी वो जाएगा और ये देखिए इधर से वो फटने का चांस ज्यादा रहता है वो एक बार फट गया तो आपका जो टंकी में जितना भी कंप्रेसर टंकी में ऑयल है उतना तुरंत चला जाएगा और आपका बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा उस जगह एक वीराना जहां उम्र गुजार दी मैंने कोई इंजीनियर पार्ट है एकदम हाथ से ईजी जाएगा एंड तक और उसको कौन से भी प्रकार का पाना नहीं लगाना चाहिए अगर दिया है तो वो हाथ से ही टाइट करना पड़ता है एक शेर और कर रहा हूं जैसे कि आपके हाथ की ताकत से ही टाइट करो सही जैसे हो गया दूसरा ये काम मेरे जिश्त का सफर निकला जमाने भर की निगाहों ने उसे थाम लिया इससे कभी भी आपका जमाने भर की फिटिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा मशीन में जो अपनी क्योंकि ऑयल कूलर में सर्कुलेट हो जाएगा ऑयल बराबर से तो आपका कितना भी धूप में मशीन रहेगा 40-45 डिग्री में आपका मशीन कंटिन्यू चलता रहेगा बाकी मशीन का जैसा नहीं है दिन में बंद रखो और रात को चालू करो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ये मशीन का देखिए ये है जीनियन पार्ट एयर फिल्टर का इनर फिल्टर बोलते हैं इसका क्वालिटी देखिए आप क्या है हवा जो इंजन को कंप्रेसर को जो जा रहा है फिल्टर के द्वारा तो वो एकदम सटीक से और अच्छा जाएगा जैसे कि आपका अगर कुछ भी डस्ट एंट्री हो जाता है चाहे इंजन में हो चाहे कंप्रेसर में हो तो आपके कंप्रेसर के सेहत के लिए वो तो अच्छा नहीं है इसलिए ओरिजिनल पार्ट जो है वो लगाने आपको बहुत ही जरूरी है ये देखिए ये रहा ओरिजिनल चीज जिसमें आप अभी हाथ में पकड़ के भी महसूस हो सकता है इसमें 3 लेयर रहता है 3 लेयर ये जो दिख रहा है ये आपको पूरा इसका लाइफ देने वाला है वैसे तो इसका लाइफ जो रहता है 750 घंटा लाइफ है इसके अंदर इसको कुछ होता नहीं है फटता नहीं टूटता नहीं है अभी भी जो पुराने फिल्टर हमने निकाले हैं उसका खाली पेपर जो है वो ब्लैक से नहीं हो गया है मगर उसको कुछ भी डैमेज नहीं है कुछ भी नहीं है इसका ये आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा देखिए अंदर के साइड से भी कैसा है फिल्टर 3 लेयर फिल्टर जो है और मार्केट के जो फिल्टर है उसमें यही तो बहुत बड़ी खासियत है कि वो आपको हाथ में लेने के बगैर आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या चीज़ है क्योंकि सिंगल लेयर फिल्टर का इतना हल्का वजन रहता है कि वो हल्का ही रहता है पूरा और वो आपको लाइफ भी कम देगा बहुत जगह ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है आपका फिल्टर फटा फिल्टर अंदर गया बहुत सारा चीज हुआ है ये CPS 550-200 मशीन है किसी कंपनी का आता है 14 kg जो आपको ड्रिलिंग में हवा देगा और 550 इसका CFM आता है CFM मतलब उसका ताकत आएगा फ्लो और प्रेशर मतलब इसका जितना आपको ड्रिलिंग को चाहिए उतना इसका नाम बतला दीजिए इसको एयर सेपरेटर बोलते हैं और ये देखिए ये जो पहला सेपरेटर है वो भी कंपनी का ही है ये लगभग
चल चुका, इसका देखिए क्या कंडीशन है और ओरिजिनल फिल्टर कैसा पहचानने का, इसके ऊपर एक नंबर रहेगा। ये देखिए ये वाला नंबर, तो अभी इसका तो लाइफ हो गया। फिल्टर का कंडीशन देख सकते हैं आप कैसा है क्या है, इसका 1500 घंटे का सर्विस चल रहा है अभी। ये जो है इस पे अपना जो सेपरेटर रहता है वो इस पे सूटेबल रहेगा। इसको आप ये नया सिस्टम में है, जो पुराना वाला जो मशीन है या बाकी जो मशीन है उसमें सिंगल ही आएगा, ऐसा दो टाइप रहता है। और उसको क्या है, उसको एक एरो रहता है, ऐसा ही डालना चाहिए, ऐसा ही डालना चाहिए। ये आप कैसा भी करके डालिए, ऐसा डालिए तो भी आपका फॉर्मेशन एक ही हो जाएगा, आप ऐसा डालिए तो भी आपका फॉर्मेशन सेम हो जाएगा। इसका मतलब गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। नया वाला निकालो सेपरेटर, सेपरेटर का बक्सा दिखाओ। भारी हो तो ये है ओरिजिनल फिल्टर सिप्पी का, सेपरेटर फिल्टर बोलते हैं इसको। और ये देखिए पहले सामने वो नंबर जो अभी दिखाया मैंने वो ऊपर साइड में था, अभी नया में क्या हो रहा है ये देखिए, नंबर ठीक से दिख रहा है, ये अभी नीचे साइड में आ रहा है। इसका लगभग कंपनी ने इसका लाइफ जो रहता है वो 1500 घंटा बताया है और उतना ही चलाने का। और मिनिमम कितना तक चला सकते हैं हाई रेस्ट? 1500 उसके आगे आप चला सकते हैं, 1500 घंटे के आगे नहीं, ऐसा नहीं है, मगर उसके आगे आपका रिस्क चालू हो जाएगा। मशीन को कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर ये सेपरेटर गया तो आपका पूरा ऑयल जा सकता है, ऑयल गया वो आपके समझ में नहीं आया तो मशीन टेम्परेचर होके सेंसर तो अपना काम कर देगा, बंद कर देगा मशीन। इनकेस आपका कौन सा सेंसर अगर गया है टेम्परेचर का तो मशीन फायर भी हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, ब्लास्ट भी होने का बहुत चांसेस है और हो भी चुका है, बहुत सारे लोगों का मशीन जल भी चुका है, खाली मार्केट का डाल दिया और ठीक से मेंटेन नहीं किया वो हिसाब से। ये क्या है, ये अर्थिंग है, अगर ये फिल्टर को टच नहीं होगा तो उसको अर्थिंग नहीं मिलता है, ये भी एक कारण बन सकता है आपका मशीन फायर होने का।